आज हम रे ऑप्टिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? अगर हमारे सामने बहुत छोटी ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज़ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हमारे पास होते हैं, अगर वो हमें जो नेकेड आई से नहीं दिखाई देते, उनको देखने के लिए हम क्या करते हैं? माइक्रोस्कोप्स का यूज़ करते हैं। तो माइक्रोस्कोप क्या है? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनका यूज हम क्या करते हैं, बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देती, उनकी मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप्स हैं। ऐसे ही अगर हमसे बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उसकी मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए टेलीस्कोप यूज करते हैं। जैसे किसी प्लेनेट की इमेज देखनी है, स्टार की इमेज देखनी है, तो हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स का यूज करते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका यूज हम क्या करते हैं, बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स या फिर बहुत दूर किसी ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए हम इनका यूज करते हैं, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप। तो ये हमने पढ़ने तो इसको शुरू करने के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या इसको हम कहते हैं नियर पॉइंट। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या नियर पॉइंट, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। तो लीस्ट डिस्टेंस या नियर पॉइंट हम किसको कहते हैं? सपोज़ अगर मेरे सामने कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं अपनी आईज के क्लोज लाते जा रहा हूँ, तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अपनी आईज के क्लोज लाऊंगा, तो एक डिस्टेंस के बाद ये इमेज मेरे को क्लियर नहीं दिख रही है, ये इमेज मेरे को धुंधली दिखाई दे रही है। ये ऑब्जेक्ट मेरे को कैसे दिख रही है? धुंधली। तो आई के नज़दीक वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ से चीज़ें हमें क्लियर दिखाई देना स्टार्ट होती हैं, आई लेंस के नज़दीक ऐसी मिनिमम डिस्टेंस जहाँ से हमें ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखाई देना शुरू होती हैं, अगर उस डिस्टेंस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो हमें क्लियर नहीं दिखाई देगी। तो ऐसी मिनिमम डिस्टेंस का नाम होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और नियर पॉइंट। ठीक, तो लीस्ट डिस्टेंस किसको कहते हैं? द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस फ्रॉम वेयर एनी ऑब्जेक्ट इज सीन क्लियरली बाई आई लेंस। ऐसी डिस्टेंस जहाँ से आई लेंस के नज़दीक, ऐसी डिस्टेंस जहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखा जाता है, उस डिस्टेंस को हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या नियर पॉइंट कहते हैं। तो फॉर नॉर्मल आई, नॉर्मल आई के लिए जो नियर पॉइंट होता है ये होता है 25 सेंटीमीटर। मतलब अगर हमारी आई से कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है तो ये हमें क्लियर दिखाई देगी, कोई ऑब्जेक्ट 26 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है ये क्लियर दिखाई देगी, कोई ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है ये क्लियर दिखाई देगी। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर से भी अंदर है 20 सेंटीमीटर पर, तो वो हमें क्लियर नहीं दिखाई देगी, थोड़ा सा ब्लर्ड इमेज हमें दिखाई देती है। तो ये वो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर जहाँ से हमें क्लियर दिखाई देना शुरू होता है, उस डिस्टेंस को हम नियर पॉइंट कहते हैं। फिर ऐसे ही अगला टर्म हम यूज करते हैं फार पॉइंट। फार पॉइंट आई लेंस से मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम दूरी जहां तक हमें दिखाई देता है क्लियर, उस डिस्टेंस का नाम होता है फार पॉइंट। नॉर्मल आई के लिए जो फार पॉइंट होता है वो होता है इन्फिनिटी पर। तो हमारी जो देखने की रेंज होती है वो 25 सेंटीमीटर से कहाँ तक होती है? इनफाइनाइट तक। तो नॉर्मल आई के लिए जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी पर होता है। तो हम कहाँ, किस डिस्टेंस से देखना हमें शुरू होता है? 25 सेंटीमीटर से और इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हम देख सकते हैं। ये हमारे पास दो पॉइंट हैं, नियर पॉइंट और फार पॉइंट।
ये आपको आने चाहिए। दूसरा एक और टर्म हम यहाँ पर बार बार यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं विजुअल एंगल। विजुअल एंगल या हम इसको एंगल ऑफ विजन भी कहते हैं, विजुअल एंगल और एंगल ऑफ विजन। ये क्या होता है, अगर सपोज़ मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट मेरी आइज पर जो एंगल सबटेंड करेगी वो कहलाएगा एंगल ऑफ विजन। कोई भी ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर की आई पर जो एंगल बनाती है उस एंगल का नाम एंगल ऑफ विजन होता है, और इसी एंगल ऑफ विजन पर डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा। अगर एंगल ऑफ विजन छोटा बन रहा है तो इसका मतलब हमें वो ऑब्जेक्ट छोटे साइज की नज़र आएगी, अगर एंगल ऑफ विजन बड़ा बनता है तो वो ऑब्जेक्ट हमें बड़े साइज की नज़र आएगी। हमने देखा होगा दूर की ऑब्जेक्ट जो होती हैं वो हमें छोटी नज़र आती हैं, इसका रीज़न क्या है, दूर की ऑब्जेक्ट हमारे आइज पे बहुत कम एंगल सबटेंड करती हैं, जिसकी वजह से दूर की ऑब्जेक्ट हमें स्मॉलर नज़र आती है। तो अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, इस ऑब्जेक्ट को ये कोई ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, तो ये ऑब्जर्वर की आइज पर जो एंगल सबटेंड करेगी ये एंगल होगा एंगल ऑफ विजन थीटा। अगर ये ऑब्जेक्ट नज़दीक होती, यहाँ पर होती, तो यहाँ से ये जो एंगल बनाती ये एंगल बड़ा बन रहा है ये, तो इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट बड़े साइज की नज़र आएगी। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ होती ए बी, तो यहाँ से ये एंगल और छोटा बनता, तो ये ऑब्जेक्ट और छोटे साइज की नज़र आएगी। तो ऑब्जर्वर से जितने ज़्यादा दूर ऑब्जेक्ट होगी एंगल ऑफ विज़न उतना डिक्रीज होते जाता है और ऑब्जेक्ट का साइज उतना छोटा दिखते जाता है। तो एंगल ऑफ विज़न किसको कहते हैं, एंगल ऑफ विज़न इज़ द एंगल सबटेंडेड बाई एनी ऑब्जेक्ट एट ऑब्जर्वर्स आई, उसको हम एंगल ऑफ विज़न कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट टर्म जो हमने डिफाइन करना है, ये हम डेरिवेशंस में यूज करेंगे बार बार, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मैग्नीफाइंग पावर किसको कहते हैं, मैग्नीफाइंग पावर मतलब हमने पहले भी पढ़ा है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, उस मैग्नीफिकेशन को कहते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। यहाँ पर जो हम मैग्नीफिकेशन पढ़ने वाले हैं ये है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। कौन सा, एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एंगुलर मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है इसको भी हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी एक रेशियो होता है। एंगुलर मैग्नीफिकेशन है तो यहाँ पर हम रेशियो एंगल्स का लेते हैं, ये होता है विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज एट आई अपॉन विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट केप्ट एट लीस्ट डिस्टेंस। मैग्नीफाइंग पावर किस किस का रेशियो है, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज एट आई अपॉन विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट कैप्ट एट डी। डी मतलब 25 सेंटीमीटर, मतलब जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर रखी है तो वो कितना एंगल बना रही है, उसको बोलेंगे विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट कैप्ट एट 25 सेंटीमीटर। तो ये दोनों एंगल्स के रेशियो को हम कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये डेफिनेशन जनरली सिंपल माइक्रोस्कोप्स के लिए माइक्रोस्कोप के लिए हम यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप के लिए थोड़ा सा डेफिनेशन अलग होती है, वो बाद में टेलीस्कोप वाले में पढ़ेंगे। बेसिक डेफिनेशन मैग्नीफाइंग पावर की अभी फ़िलहाल हमारे पास ये है, किस किस का रेशियो, विजुअल एंगल्स का रेशियो।
विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज एट आई टू द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट फ्रॉम लीस्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट कहाँ रखी होनी चाहिए जब 25 सेंटीमीटर पर। तो ये हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है। अब हम बात करते हैं कि कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लो हम सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हैं या टेलीस्कोप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में होने चाहिए। तो दो फीचर मेनली होने चाहिए फीचर्स। पहला फीचर होना चाहिए कि जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसका मैग्नीफिकेशन हाई हो, हाई मैग्नीफिकेशन होना चाहिए, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम किसी माइक्रोस्कोप का यूज़ कर रहे हैं किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट को देखने के लिए और उस इंस्ट्रूमेंट ने मैग्नीफाई नहीं कर पाया तो हमें वो ऑब्जेक्ट दिखेगी नहीं। तो इसलिए किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरा हाई रिजोल्यूशन भी होना चाहिए, हाई रिजोल्यूशन या हाई रिजॉल्विंग पावर। ये रिजॉल्विंग पावर हम अभी आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे। रिजॉल्यूशन का मतलब जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के माइन्यूट पार्ट को भी, हर छोटे पार्ट को भी वो डिस्टिंक्टली देख पाएँ। डिस्टिंक्टली मतलब अलग अलग सेपरेटली देख पाएँ, ताकि हमें उस ऑब्जेक्ट के बारे में फाइनर डिटेल हमें पता चल पाए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, रिजोल्यूशन करने का मतलब उस ऑब्जेक्ट के हर एक माइन्यूट पार्ट को, हर एक फाइन पार्ट को सेपरेटली डिटेल में उसको देखना, उसको हम क्या कहते हैं, रिजॉल्विंग पावर। तो ये दो फीचर हर ऑप्टिकल डिवाइस में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए, हाई मैग्नीफिकेशन एंड हाई रिजोल्यूशन। तो ये कुछ टर्म्स थे जो हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। अब हम शुरू करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट जो कि हमें नेकेड आई से नहीं दिखाई देती, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जैसे हेवनली बॉडीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, इनको देखने के लिए हम जिन डिवाइसेस का यूज़ करते हैं उनको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो इसमें पहला जो हमने पढ़ना है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, इसका दूसरा नाम होता है मैग्नीफाइंग ग्लास। ये सब ने देखा है सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास, ये सब ने देखा है। किसी बुक में कोई लेटर्स लिखे हुए हैं तो उनको हम एक लेंस के सहारे देखते हैं, वो हमें बड़े दिखाई देते हैं। वही लेंस क्या है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, वही सिंपल माइक्रोस्कोप है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ये अपने आप में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ। ये शॉर्ट फोकल लेंथ का एक कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास या सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब हमें निकालनी है इसकी मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर हम दो केसेस में निकालेंगे। पहला केस चलेगा कि जब फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर बन रही है तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी। दूसरा केस जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है उस समय पर मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी। ये दो दो केसेस में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो केस फर्स्ट मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज एट डी। जब फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर बन रही है तो उस समय पे सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हमने डिराइव करना है। तो पहले रे डायग्राम समझते हैं। ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, इसको मैं ओ से डिनोट कर रहा हूँ, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। ये इसका फोकस है, मेन फोकस राइट साइड होता है कॉन्वेक्स लेंस का,
इतनी ही डिस्टेंस लेफ्ट साइड, ये इसका फर्स्ट फोकस है, ये है इसका फोकस। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को हमने मैग्नीफाई करना है उस ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं। ये मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दी ए बी। ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करना है उसको ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाता है। इसकी इमेज कहाँ बनेगी हमें पता है, जब कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होती है तो वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज बनती है। पहली रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले गए तो ये फोकस से होके ऐसे जाएगी, दूसरी रे को ऑप्टिकल सेंटर से ले गए तो ये ऐसे गई, तो यहाँ ये दोनों रेज मिलेंगी नहीं तो इनको हम पीछे बढ़ाते हैं, ये रे और ये वाली रे को पीछे बढ़ाते हैं तो ये कहीं यहाँ मिलते हैं। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज बनती है ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश और बी डबल डैश, ये फाइनल इमेज यहाँ बनी। और हमने केस कौन सा लिखा है, व्हेन फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस, तो हम मान रहे हैं कि ये जो फाइनल इमेज बनी है ए डबल डैश बी डबल डैश ये ऑप्टिकल सेंटर से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। ऑप्टिकल सेंटर से फाइनल इमेज की डिस्टेंस कितनी है, डी के बराबर, डी कितना होता है 25 सेंटीमीटर। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस होगी यू के बराबर। ठीक है, तो अब हम फाइंड आउट करते हैं इसकी मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, मैग्नीफाइंग पावर क्या है, एम इक्वल टू विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज, फाइनल इमेज अपॉन विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट कैप्ट एट डी। ये हमारे पास फॉर्मूला था। फाइनल इमेज जो एंगल बनाएगी इसको डिनोट करेंगे बीटा से, फाइनल इमेज के एंगल को हम क्या लिखते हैं, बीटा। और ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगी इसके एंगल को लिखते हैं अल्फा। तो ये होता है एम इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या है, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज, और अल्फा क्या है, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाई ऑब्जेक्ट कैप्ट एट डी। इसी को हम 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा भी कहते हैं, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा भी लिखा जाता है, हम इसी का यूज करने वाले हैं, एम इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। क्योंकि ये अल्फा बीटा स्मॉल एंगल्स हैं इसलिए हम 10 बीटा को बीटा के बराबर और 10 अल्फा को अल्फा के बराबर पुट कर सकते हैं। तो एम इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा है। सबसे पहले हम देखते हैं बीटा को। बीटा क्या होता है, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज। फाइनल इमेज ये है ए डबल डैश बी डबल डैश, ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा होगा, तो इस फाइनल इमेज ने इस ऑब्जर्वर की आई पर कौन सा एंगल बनाया ये हमें ढूंढना है। तो ये फाइनल इमेज इस ऑब्जर्वर की आईज पर ये वाला एंगल बनाएगी जो इसके ऑप्टिकल सेंटर पे बन रहा है, जो इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे एंगल बना रही है ये इमेज, यही एंगल कहाँ बनेगा, ऑब्जर्वर की आई पर। ये एंगल कितना है, बीटा। तो हमें बीटा मिल गया। तो बीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड बाई फाइनल इमेज एट आई कहो या एट ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो अगर मेरे को बीटा मिल गया तो मैं क्या 10 बीटा निकाल सकता हूँ। यहाँ पर एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा ए बी ओ, ए बी ओ, इस ट्रायंगल में अगर 10 बीटा निकालूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितने हैं ए बी और बेस कितने हैं यू, तो ए बी अपॉन यू ये आ जाएगा 10 बीटा। अब मैंने निकालना है अल्फा। अल्फा के लिए एक दूसरा डायग्राम देखते हैं। अल्फा क्या होता है, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट कैप्ट एट डी। अगर यही ऑब्जेक्ट, कौन है ऑब्जेक्ट, ए बी,
अगर यही ऑब्जेक्ट ए बी कितनी दूर है, 25 सेंटीमीटर पर, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, अगर यही ऑब्जेक्ट इस ऑप्टिकल सेंटर से कितनी दूर होती 25 सेंटीमीटर पर, तो यहाँ से वो जो एंगल बनाती ये एंगल होता अल्फा। 25 सेंटीमीटर पर अगर ऑब्जेक्ट होती डी डिस्टेंस पर, तो वहाँ से ऑप्टिकल सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो अल्फा। तो इस ट्रायंगल से हम टेन अल्फा निकाल सकते हैं। तो टेन अल्फा, परपेंडिकुलर ए बी और बेस कितना, बेस है डी। तो आपने ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा जब आप अल्फा कैलकुलेट कर रहे हैं। बीटा जब कैलकुलेट किया था, बीटा तो फाइनल इमेज ने जो एंगल बनाया ऑप्टिकल सेंटर पर वो है। तो फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश थी, इसने ऑप्टिकल सेंटर पर बीटा एंगल बनाया। तो इस ट्रायंगल से ए बी ओ से मैंने 10 बीटा निकाला। कहाँ से निकाला, इन ट्रायंगल ए बी ओ, ये 10 बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर अल्फा की डेफिनेशन क्या है, अल्फा है विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डी। अगर ये ऑब्जेक्ट इस ऑप्टिकल सेंटर से डी डिस्टेंस पे होती, तो वहाँ से वो जो एंगल बनाएगी वो अल्फा है। अब हमें मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला पता है, तो सिंस एम इक्वल टू क्या होता है, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, वैल्यूज़ रखते हैं। 10 बीटा कितना आया था, ए बी अपॉन यू, 10 अल्फा कितना आ रहा है, ए बी अपॉन डी। ए बी से ए बी कैंसिल, तो यहाँ से m आ जाएगा हमारे पास कितना, d अपॉन u, इक्वेशन थर्ड। तो ये मैग्नीफाइंग पावर आई d अपॉन u। d क्या है, लीस्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम कन्वर्ट करते हैं। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसके लिए एक बार हम लेंस इक्वेशन अप्लाई करते हैं। इस लेंस के लिए हम क्या लगाते हैं, एक बार लेंस इक्वेशन। तो अगर मैं इस लेंस के लिए लेंस इक्वेशन अप्लाई करूं, तो अकॉर्डिंग टू लेंस इक्वेशन, लेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। साइन के साथ वैल्यूज पुट करेंगे लेंस इक्वेशन में, 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन वी क्या होती है, इमेज डिस्टेंस। तो फाइनल इमेज कहाँ बनी है, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की डिस्टेंस कितनी है, डी। वी होती है इमेज डिस्टेंस, तो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज तक की डिस्टेंस कितनी है, डी। कैसा, इंसिडेंट रे के अपोजिट है, तो माइनस डी। माइनस वन अपॉन यू क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है यू, ये भी इंसिडेंट रे के अपोजिट है, माइनस यू। साइन के साथ, तो ये आ जाएगा वन अपॉन एफ, पहले प्लस वाला लिख देते हैं, 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन डी। ठीक, अब इक्वेशन थर्ड को देखते हैं। इक्वेशन थर्ड में हमारे पास आ रहा है डी बाई यू, डी अपॉन यू। क्या यहाँ भी हम डी अपॉन यू ला सकते हैं, तो ला सकते हैं अगर मैं पूरी इक्वेशन को डी से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो पूरी इक्वेशन को मैं डी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग बाई डी। अगर मैं पूरी इक्वेशन को डी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रे डायग्राम हटा देते हैं। तो पूरी इक्वेशन को डी से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा डी अपॉन एफ इक्वल टू डी अपॉन यू माइनस डी अपॉन डी वन। अब यहाँ से मेरे को डी अपॉन यू चाहिए, तो डी अपॉन यू आ गया, तो यहाँ से डी अपॉन यू इक्वल टू ये इधर आ जाएगा वन प्लस डी अपॉन एफ। इसको बोल देते हैं इक्वेशन फोर। तो अब इक्वेशन थ्री और फोर को देखो। इक्वेशन थ्री और फोर से हम क्या कह सकते हैं, एम डी अपॉन यू के बराबर है और डी अपॉन यू वन प्लस डी अपॉन एफ के बराबर है। तो इसका मतलब एम किसके बराबर होगा, वन प्लस डी अपॉन एफ के बराबर। तो फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर हमें एम की वैल्यू मिल गई। फ्रॉम इक्वेशन थ्री एंड फोर m इक्वल टू वन प्लस डी अपॉन एफ। ये होती है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, कब, जब फाइनल इमेज
डी डिस्टेंस पे बनी है, यानी कि 25 सेंटीमीटर पर जब फाइनल इमेज बनती है तो उस समय पे माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर होती है 1 + d / f, f है फोकल लेंथ और d है 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब चलते हैं केस टू में। केस टू में हमें क्या निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ केस टू, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी। अब जब यही माइक्रोस्कोप फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनाएगा तो उस समय पे मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं। तो ये हमारे पास वही कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, इतनी दूरी ये भी फोकस, इसको कह देते हैं एफ। अब हमें फाइनल इमेज कहाँ बनानी है, इन्फिनिटी पर। तो कॉन्वेक्स लेंस फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर कब बनाता है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखी हो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को ठीक फोकस पे रख दिया। इससे पहले केस में ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखी थी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। अब हमें फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर चाहिए तो हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, तो एक रे पैरेलल गई तो ये फोकस से होके आएगी और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से ये ऐसे, तो ये रेज पैरेलल जाएंगी, ये पैरेलल रेज होंगी, तो पैरेलल रेज इन्फिनिटी पर मिलेंगी, तो वहाँ इन्फिनिटी पर जाके फाइनल इमेज बनेगी। अब हमें निकालना है मैग्नीफाइंग पावर फिर से। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, 10β/10α। तो सबसे पहले हम बीटा निकालेंगे। बीटा क्या होता है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। फाइनल इमेज जो एंगल बना रही है वो बीटा, तो फाइनल इमेज तो इन्फिनिटी पर होगी, तो इन्फिनिटी से इसके ऑप्टिकल सेंटर पर जो एंगल बना ये बीटा, ठीक इसके वर्टिकली अपोजिट ये एंगल भी कितना, बीटा। इमेज तो इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी से जो ये एंगल बना बीटा, फाइनल इमेज ने जो एंगल बनाया ये बीटा, इसके ठीक वर्टिकली अपोजिट ये भी कितना, बीटा। तो अगर मैं 10β निकालूँ, ये ट्रायंगल दिख रहा होगा ए बी ओ, 10β क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ए बी, बेस मतलब ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, फोकल लेंथ, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस, तो ये आ गया फोकल लेंथ एफ के बराबर। फिर ऐसे ही अब हमें निकालना होता है अल्फ़ा, अल्फ़ा इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। अल्फ़ा क्या होता है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट कैप्ट एट डी। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ होती, डी डिस्टेंस पर, ऑब्जेक्ट अगर कितनी दूर होती ऑप्टिकल सेंटर से, 25 सेंटीमीटर पर, तो उतनी दूर से वो जो एंगल बनाएगी ऑप्टिकल सेंटर पर वो अल्फा है। इसको अलग डायग्राम से बनाएंगे, ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से 25 सेंटीमीटर पर होती डी डिस्टेंस पर, तो यहाँ से जो ये एंगल बनाएगी ये अल्फा है। तो इस ट्रायंगल से हम 10α निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है डी, तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन डी, इक्वेशन सेकंड। तो हमने 10β निकाल लिया, 10α निकाल लिया, अब हम लगाते हैं m = 10β/10α फॉर्मूला। तो देयरफॉर मैग्नीफाइंग पावर होती है 10β/10α, तो मैग्नीफाइंग पावर 10β कितना है, ए बी अपॉन एफ, 10α कितना है, ए बी अपॉन डी, ये कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा डी अपॉन एफ। तो हमें मैग्नीफाइंग पावर यहाँ मिल गई कितनी, डी अपॉन एफ, इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैग्नीफाइंग पावर डी अपॉन एफ। तो ये होती है मैग्नीफाइंग पावर सिंपल माइक्रोस्कोप की, जब फाइनल इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पर, और जब फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर है तो मैग्नीफाइंग पावर 1 + d / f होती है। ठीक, अब कुछ समझने वाली बातें, अगर हम दोनों केसेस को ध्यान से देखें तो मैग्नीफाइंग पावर कब ज़्यादा है,
तो हमें दिख रहा है यहाँ वन प्लस आ रहा है और यहाँ वन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर ज़्यादा है, हाई मैग्नीफिकेशन है, और यहाँ लेस मैग्नीफिकेशन है। तो हमें एक बात याद होनी चाहिए कि जब माइक्रोस्कोप फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पे बनाएगा तो उसका मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होता है कंपेयर देन जब वही माइक्रोस्कोप फाइनल इमेज कहाँ बनाता है, इन्फिनिटी पर। दूसरा इन दोनों में से, दोनों केसेस में से, कौन से दोनों केसेस, जब फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर बनी है और जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनी है, इन दोनों में से किस इमेज को देखना ज़्यादा आसान होगा आइज के लिए? जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनी है उस इमेज को देखना ज़्यादा आसान होता है, या जब फाइनल इमेज 25 सेंटीमीटर पर बनी है उस केस को देखना ज़्यादा आसान होगा? तो जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनती है उस केस को देखना ज़्यादा आसान होता है। क्यों? इमेज जितनी दूर बनेगी हमारी आईज उतनी रिलैक्स्ड कंडीशन में होंगी, उतनी रिलैक्स्ड होंगी। सपोज़ अगर इमेज बहुत क्लोज बन रही है तो हमें देखने में थोड़ा सा आईज में क्या प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, आईज में तनाव प्रोड्यूस होगा। तो जब भी इमेज नज़दीक बनेगी तो भले ही मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगा, कब, जब इमेज नज़दीक बनेगी भले ही मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगा, लेकिन उस इमेज को देखने के लिए आईज में स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होता है। तो बेटर कौन सी इमेज होती है देखने के लिए, जब फाइनल इमेज कहाँ बनी हो, इन्फिनिटी पर। तो इस केस को हम कहते हैं रिलैक्स्ड आई, इस इमेज को हम रिलैक्स्ड आई से देख सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप फॉर रिलैक्स्ड आई। रिलैक्स्ड आई के लिए अगर मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है तो ये समझ जाना है कि हमें फाइनल इमेज कहाँ बनानी है, इन्फिनिटी पर। जितनी दूर इमेज होगी हमारी आईज उतनी रिलैक्स्ड स्टेट में होंगी, तब जाके वो हमें इमेज दिखाई देगी। और इमेज जितनी क्लोज होगी भले ही मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगा, लेकिन उस इमेज को देखने के लिए आईज में उतना ही ज़्यादा स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होता है। ठीक, तो ये सब मैग्नीफाइंग पावर है सिंपल माइक्रोस्कोप की। सिंपल माइक्रोस्कोप अपने आप में कुछ भी नहीं होता, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है शॉर्ट फोकल लेंथ का। जब वो कॉन्वेक्स लेंस फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे बनाता है तो मैग्नीफाइंग पावर 1+D/F, जब वही कॉन्वेक्स लेंस फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनाता है मैग्नीफाइंग पावर सिर्फ D/F होती है। अब ये जो मैग्नीफाइंग पावर होती है, सिंपल माइक्रोस्कोप ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीफाई कर सकता है 6 times, 7 times या मैक्सिमम 10 times, किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज से 10 times बड़ी इमेज ये बना सकता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा ये नहीं बनाता। इसलिए इस सिंपल माइक्रोस्कोप को हम कहते हैं 10x मैग्नीफायर। यहाँ पर जो हम ये x लिखते हैं, ये x मैग्नीफाइंग पावर की यूनिट को दर्शाते हैं। हालांकि इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये एंगल्स का रेशियो है, लेकिन हम एक डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर x लिखते हैं। अगर सपोज कोई सिंपल माइक्रोस्कोप है उसमें लिखा है 5x मैग्नीफायर, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो इमेज को ऑब्जेक्ट से 5 times बड़ी बना रहा है, तब उसको 5x मैग्नीफायर कहते हैं। तो ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है मैक्सिमम 10 times मैग्नीफाई कर सकता है। अब सिंपल माइक्रोस्कोप हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तो सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं जनरली वॉच मेकर्स, जो घड़ी रिपेयर करते हैं, तो वॉच के माइन्यूट पार्ट्स जो होते हैं उनको देखने के लिए, उनकी मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। ऐसी ज्वेलर्स यूज़ करते हैं, ज्वेलरी के जो फाइन पार्ट्स होते हैं उनकी मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और जनरली हम जो यूज़ करते हैं, कोई बहुत स्मॉल राइटिंग है, कोई बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट है, तो उसकी मैग्नीफाइड इमेज अगर हमें देखनी है तो हम भी इसका यूज़ कर सकते हैं।